नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते दो महीनों में पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब 13 जुलाई को विजन ऑफ इंडिया लेकर फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं। फ्रांस जहां बीते दिनों दंगों से तबाही की भयावह तस्वीरें सामने आई थी। पीएम मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। फ्रांस के अलावा प्रधानमंत्री राजनयिक दौरे के हिस्से के रूप में यूएई की भी एक महत्वपूर्ण यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी जिस भी सैन्य शक्ति कहे जाने वाले देश के दौरे पर जाते हैं तो वहां से भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सौदे जरूर करते हैं। फ्रांस का यह दौरा भी भारतीय सेना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसकी वजह यह है कि इस दौरे पर 96,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी मिल सकती है। जी हां, हमने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल और 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बियां भारत खरीद सकता है। इस दौरे पर इन सौदों की घोषणा होने की पूरी पूरी संभावना है। पीएम मोदी की इस फ्रांस यात्रा के दौरान भारत सरकार फ्रांस के साथ 26 राफेल एम और 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर डील कर सकती है। 96,000 करोड़ की इस डील में 26 राफेल एम फाइटर जेट में से 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, वहीं 4 डबल सीटर ट्रेनिंग फाइटर जेट भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 अतिरिक्त स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स भी भारत लाई जाएंगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद बोर्ड यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से 26 राफेल एम विमानों की खरीद से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। इन प्रस्तावों में नौसेना के लिए राफेल एम विमानों के साथ ही 3 स्कॉर्पिन पनडुब्बियों की भी खरीद शामिल है। इस डील के प्रस्तावों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद विचार करेगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले रक्षा अधिग्रहण परिषद से इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाए। फ्रांस के अलावा पीएम मोदी यूएई भी जाएंगे। साल 2014 में पदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी की खाड़ी देश यूएई की ये 5वीं यात्रा होगी। इससे पहले वो जून 2022, अगस्त 2019, फरवरी 2018 और अगस्त 2015 में यूएई जा चुके हैं। जून 2022 में अपनी पिछली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के लिए अबू धाबी के राष्ट्रपति और शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से भारतीय सेना को कितनी मजबूती मिलेगी, आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।